हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हथेली है बहुत स्क्वायरिश साइज में है, बिल्कुल एक स्क्वायर शेप की हथेली यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो काफ़ी मेहनती नेचर को यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन फिंगर्स का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर रहेगी इनकी। कोई भी काम जल्दबाजी में शुरू करना और कुछ कई बार इस वजह से नुकसान अपना करवा लेना, कुछ इस तरह की नेचर भी रह सकती है। और यहाँ पर फिंगर्स की बात की जाए तो फिंगर्स जो हैं थोड़ी सी शॉर्ट होने के साथ साथ थोड़ी सी गैप के साथ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में, दोनों फिंगर्स में काफ़ी बड़ा गैप नज़र आ रहा है, और फिंगर्स के बीच में गैप का होना थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर को भी शो करता है, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी इनका रह सकता है लाइफ में। और काफ़ी सारी सीधी रेखाएँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली नेचर भी रहेगी साथ साथ। और अगर लेंथ की बात की जाए तो मर्करी फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे। मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में होना और मर्करी माउंट का काफ़ी अच्छा होना इस चीज़ को शो करता है कि काफ़ी अच्छे बिजनेस स्किल्स इनके अंदर रहेंगे, अच्छा बिजनेस एक्मन रहेगा, और साथ ही साथ एक विजडम व्यक्ति के अंदर रहती है काफ़ी ज़्यादा। और जो अपोलो फिंगर है और जो तर्जनी है, इन दोनों की लंबाई लगभग मुझे एक समान ही दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी अपोलो लंबी है तो अपोलियन क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी। और जो सैटर्न फिंगर है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो काफ़ी मेहनती नेचर इनकी रहने वाली है। चलिए चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, सेटिंग किस तरह से है हैंड में, और देखते हैं और क्या क्या हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, जिसमें कोई भी फिंगर मुझे लो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लगभग सारी की सारी फिंगर्स हाई सेट हैं। और ख़ास तौर पर मर्करी तो काफ़ी अच्छी सेटिंग में है, जो काफ़ी अच्छे बिजनेस स्किल्स इनके अंदर भरेंगी। तो वन बाई वन माउंट्स को देखते हैं फिंगर्स की सेटिंग के बाद, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं इस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बृहस्पति माउंट है एवरेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत उभरा हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर एक लाइन जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है नज़र आ रही है, जिसको प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। तो लाइफ में प्रोग्रेस इनके अच्छी रहने वाली है यहाँ पर कुछ इस तरह की, और कोई भी स्पेसिफिक मार्किंग इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो काफ़ी क्लियर माउंट है, तो अच्छे फल इसके रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो एवरेज एक तरह से इस माउंट को मैं कह सकता हूँ। सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न यहाँ पर हाई सेट नज़र आ रहा है, फिंगर भी काफ़ी स्ट्रेट है, तो जो सैटर्न की लाइन है यहाँ पर ओवरलैप दिखाई दे रही है मुझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैटर्न की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, जो बीच में कुछ एरिया यहाँ पर डिसअपीयर लाइन दिखाई दे रही है, तो स्ट्रगल का एरिया यहाँ पर लाइफ रह सकती है। लगभग 30s के आसपास की एज, जो 30 से पहले की एज और 35-36 के आसपास की एज में कुछ स्ट्रगल लाइफ में रहेगी, लेकिन उसके आगे फिर काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो इनको एक प्रोग्रेस की तरफ, कामयाबी की तरफ ले जाती हुई नज़र आ रही है। आगे यहाँ पर चेक करते हैं इनका माउंट ऑफ अपोलो, यानी कि सूर्य। तो सूर्य माउंट आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर सूर्य लाइन नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की ट्रायंगल टाइप शेप्स यहाँ पर बन रही हैं, जो एक तरह से सूर्य रेखा जो सीधी होनी चाहिए वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही। इस तरह की बार लाइंस होने की वजह से व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ओवरऑल सूर्य की फिंगर अच्छी होने की वजह से कुछ बेनिफिट्स रहेंगे, लेकिन माउंट पे कोई भी ऐसी मार्किंग नहीं है जो बहुत नेम एंड फेम व्यक्ति को दिलवा सकती हो। बात करते हैं मर्करी माउंट की, तो मर्करी माउंट मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। मर्करी की लाइन यहाँ पर एक दिखाई दे रही है मर्करी माउंट के ऊपर, जो बेनिफिशियल है इनके लिए।
तो अगर ये बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वैसे जॉब की लाइन भी हाथ में है, तो जॉब के साथ साथ भी अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनको मिलने वाली है। आगे चेक करते हैं लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है और लगभग दोनों माउंट्स के बीच तक यहाँ पर हार्ट की लाइन मुझे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट गर्डल ऑफ वीनस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत छोटे साइज का गर्डल ऑफ वीनस है जिसका कुछ हद तक प्रभाव लाइफ पे रहता है, मूड स्विंग्स जैसी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ा गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन नहीं है, पार्शियल है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं रहना चाहिए इनकी लाइफ पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक यह प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो इनकी हार्ट की लाइन है काफ़ी अच्छी और कर्व दिखाई दे रही है मुझे, तो अगर आप यहाँ से देखें तो लाइन काफ़ी कर्व में ऊपर तक चलती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी इमोशंस इनके अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक लाइन का कर्व होना व्यक्ति को इमोशनल बनाता है और एक लाइन का नीचे की तरफ चलना मंगल एरिया की तरफ अग्रेसिव बनाता है, अग्रेशन लाइफ में रह सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक आइलैंड की फॉर्मेशन भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आइलैंड बन रहा है इनकी हार्ट की लाइन के ऊपर, जो थोड़ा सा आइलैंड्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव इनकी लाइफ में रह सकता है, हार्ट रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो ये जो आइलैंड है काफ़ी लेटर एज में शो हो रहा है, जो लगभग 60+ की एज में कुछ हद तक प्रभावित इनको कर सकता है। तो आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन, हार्ट की लाइन से हमने देखा थोड़ी सी नेगेटिव चिन्ह भी थे हार्ट की लाइन के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ चलने वाली लाइंस जो एक तरह से सेटबैक्स को दर्शाती हैं, इमोशनल सेटबैक्स जिनको हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल हार्ट की लाइन क्लियर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं रहेगी, लेकिन 60 के आसपास इनको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो माइंड की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेशन दे रही है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर माइंड की लाइन भी कुछ आइलैंड्स के साथ यहाँ पर मिडल एज में चलकर यहाँ पर दो आइलैंड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक तरह से रुकावट का काम करते हैं, तो कुछ रुकावट रह सकती है, मानसिक तनाव इनको रह सकता है, जो मिडल एज यानी कि 40s के आसपास की एज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और कुछ इस एरिया में, तो यह कुछ दिक्कतें माइंड से रिलेटेड टेंशंस जैसी प्रॉब्लम व्यक्ति को दे सकती हैं। ओवरऑल लाइन काफ़ी लंबी है, तो माइंड इनका काफ़ी शार्प रहना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ से एक लाइन का उठकर ऊपर की तरफ चलना मरकरी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के होते हैं जिनके हाथ में कुछ इस तरह की लाइन उठकर मरकरी माउंट की तरफ चलती हुई दिखाई दे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बाईफोर का बनना भी अच्छा है इनके लिए। माइंड की लाइन स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशंस भी आती हैं, प्रैक्टिकलिटी भी रहती है, तो यहाँ पर माइंड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें मुझे इसलिए नज़र भी आ रही हैं क्योंकि इनके हाथ पे वायल स्काविया भी बनती हुई नज़र आई, जिसको लाइन ऑफ एडिक्शन भी कहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो लाइन बहुत डार्क आपको मून एरिया से वीनस की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, इसको वायल स्काविया भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एडिक्शन भी इसका नाम है। तो यह किसी तरह की एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई नशा ही हो, किसी भी तरह की एडिक्शन व्यक्ति को हो सकती है, कोई काम करने कोई जुनून एक तरह से व्यक्ति के अंदर रहने के चांसेस रहते हैं कुछ इस तरह की लाइन होने की वजह से। तो इनको अपनी एक तरह से हैबिट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की एडिक्शन होना या किसी भी चीज़ की तलब होना व्यक्ति को मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर माइंड लाइन के बीच में भी मुझे कुछ ऐसी ही इंडिकेशन दिखाई दे रही है, और कुछ इस लाइन की वजह से भी इनको कुछ दिक्कतें रह सकती हैं लाइफ में। आगे चेक करते हैं यहाँ पर लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन इनकी क्या बता रही है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन जो है माइंड की लाइन से अलग होकर चलती हुई दिखाई दे रही है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगी, बचपन से ही अपने सारे फैसले खुद करना और कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहने वाली, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी लाइंस का फिंगर्स का दूर होना
और यहाँ पर दोनों लाइंस का अलग अलग चलना या दोनों चीज़ें एक ही बात को इंडिकेट करती हैं कि जो स्वभाव रहेगा वह थोड़ा सा ज़िद्दी और इंडिपेंडेंट रहेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी भी रहती है व्यक्ति की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है लाइफ की। कुछ प्रॉब्लम्स जो राहु रेखाएं यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आपको। कुछ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह की लाइंस हैं जो थोड़ी सी लाइफ को स्ट्रेस आउट कर रही हैं, स्ट्रगल्स दे रही हैं लाइफ में। यहाँ पर जो लगभग 40-45 की एज तक स्ट्रगल शो हो रही है, उसके बाद कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। उसके बाद लाइफ सेटल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और स्ट्रेस भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन का बाहर निकलना और मून एरिया तक पहुँचना घर से दूर जाने की डिज़ायर को भी शो करता है। इवन विदेश जाने की डिज़ायर इनके मन में रहेगी, फॉरेन जाएंगे भी और काफ़ी समय वहाँ पर स्टे भी कर पाएंगे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। क्योंकि ज़्यादा जो डार्क लाइन है वह वीनस की तरफ मुड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कुछ समय के लिए जो विदेश भी जा सकते हैं और वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर की तरफ उठने वाली लाइन्स हैं और जो यहाँ पर लाइन्स इनकी सैटर्न की हैं यह भी मून एरिया से चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वीनस एरिया के ऊपर वरी लाइंस हैं जो चिंताएं देती हैं व्यक्ति को, तो यहाँ पर कुछ वरी लाइंस का होना भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। व्यक्ति को चिंताएं रहती हैं, हेल्थ से रिलेटेड वरीज रह सकती हैं, इवन मनी रिलेटेड वरीज या अपने किसी लविंग वंस की वरीज जो हैं व्यक्ति को सताती हैं, तो कुछ इस तरह की दिक्कतें भी मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। लेकिन इनको बताना चाहूँगा कि यह वरी लाइंस इनकी लाइफ लाइन को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो ज़्यादा चिंता करने की इनको ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है किसी एडिक्शन से बचकर रहना, क्योंकि एडिक्शन की लाइन यहाँ पर शो हो रही है जो इनको एडिक्टिव बना सकती है किसी ना किसी तरह के अल्कोहल या किसी ना किसी तरह के नशे के प्रति इनका खिंचाव रह सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे मेरे इस हैंड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।